डॉग लवर्स को लगा बड़ा झटका, अब अपने घरों में कुत्ते नहीं पाल सकेंगे लोग। केंद्र सरकार के बड़े फैसले के बाद मचा हड़कंप। कौन कौन से कुत्तों के पालने पर लगी रोक बताती हूँ आपको। नमस्कार, मैं हूँ तनिषा साहनी और आप देख रहे हैं TV9 दिल्ली NCR। अगर आप भी कुत्ते पालने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब कुत्तों के पालने और उनकी बिक्री पर रोक लग चुकी है। खबर बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। करीब 1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पालतू कुत्ते ने अपनी ही मालकिन की जान ले ली। लखनऊ के कैसर बाग में अपने बेटे के साथ रहने वाली बुजुर्ग महिला को उनके पालतू पिटबुल ने हमला करके मार डाला। जांच में सामने आया कि पिटबुल डॉग अपनी मालकिन को 1.5 घंटे तक नोचता रहा। बीते कुछ सालों में विदेशी कुत्तों के काटने या हमला करने से इंसानों की मौत की दर्दनाक घटनाएं सुर्खियों में रही हैं। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को पिटबुल, रॉटविलर, टेरियर, वोल्फ डॉग और मास्टिफ जैसे 23 विदेशी नस्ल के कुत्तों को पालने, प्रजनन, बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इनमें अधिकतर नस्ल भारतीय घरों में पसंद की जाती हैं। केंद्र पशुपालन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखकर इस प्रतिबंध को लागू करने को कहा है। सरकार का यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद आया। इस मामले में एक विशेषज्ञ कमेटी की सलाह के बाद ये फैसला लिया गया। इस लेटर के मुताबिक केंद्र सरकार ने पशु क्रूरता को रोकने के लिए डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल 2017 और पेट शॉप रूल 2018 को लागू करने को कहा है। इस मामले को लेकर पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया की तरफ से एक अपील की गई थी। पेटा ने इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। देश में कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पेटा ने अपील में कमजोर नस्ल के कुत्तों के अलावा इंसानों की सुरक्षा के लिए अपील की थी।